हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मैं रविंदर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अड्डा 24/7 पर और अपने बेहतरीन सेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास नंबर 3। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि आज हमारी ये क्लास नंबर 3 है, तो फटाफट से सभी बच्चे एक बार आ जाइए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप सभी को ऑडियो वीडियो बिल्कुल एकदम क्लियर आ रही है। आप सभी को बिल्कुल एकदम ऑडियो यानी कि मेरी आवाज और वीडियो यानी कि आपको पिक्चर बिल्कुल ठीक दिखाई दे रही है। तो गुड आफ्टरनून किस्मत किस्मत आदित्य गुप्ता, अलका द्विवेदी, राहुल चक्रवर्ती जी, वेरी गुड आफ्टरनून। आप सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। और जितने बच्चे आ चुके हैं एक बार फटाफट से कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि आप सभी को ऑडियो वीडियो बिल्कुल एकदम क्लियर आ रही है। और क्लास की शुरुआत करते हैं फिर हम लोग। तो आज हमारी जो क्लास है वो क्लास नंबर 3 है यानी ट्रिग्नोमेट्री की। आज हम जो है वो पार्ट नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, पार्ट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, चलिए। जी सर, एवरीथिंग इज गुड। ठीक है भावना, जितेंद्र कुमार हेलो, आरती गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून बच्चों। चलिए भाई, आप लोगों को अड्डा की तरफ से बेस्ट ऑफर जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। मॉनसून, जैसा कि आप लोगों के शहर में बारिश हो रही होगी तो छाता भी आप लोगों को यहां पर दिया हुआ है बना के, आप अम्ब्रेला का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आप जो है अम्ब्रेला का यूज करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अड्डा आपको प्रोटेक्ट करवा रहा है बहुत ही बेहतरीन डिस्काउंट देके। 77% के साथ 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। और ये जो कोड अप्लाई करना है कोई भी चीज परचेज करते टाइम अड्डा के ऐप से, Y240 कोड को अप्लाई करना है, यानी Y240 आप लोगों के लिए एक रेफरल कोड है जो आप लोगों का मनी आप लोगों को सेव करवाएगा, जिसमें महापैक पर एप्लीकेबल रहेगा ये, लाइव क्लासेस पर, वीडियो कोर्स पर, टेस्ट सीरीज पर और बुक्स पर। तो फटाफट से आप Y240 कोड को अप्लाई करके चीजों को परचेज कर सकते हैं। महापैक का मतलब होता है कि ऐसा पैक जिसमें लाइव क्लासेस, वीडियो कोर्स, टेस्ट सीरीज और ई बुक्स, सारी की सारी जो चीजें हैं वो वैलिडिटी आपको मिलेगी 12 महीने की, यानी एक साल की वैलिडिटी मिलेगी। लेकिन ये एक बेस्ट ऑफर रहेगा जब आप इस कोड को अप्लाई करेंगे Y240। तो Y240 कोड को अप्लाई करिए और फटाफट से जो है जो भी आपको प्रोडक्ट परचेज करना है उसको परचेज करिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है ट्रिग्नोमेट्री का। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आइए भाई क्वेश्चन को शुरू करते हैं और क्वेश्चन को धमाकेदार तरीके से आप लोगों ने सॉल्व करना है। बताइए भाई, व्हाट इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। और अब बच्चों आप सभी बच्चे अपने कमर टाइट कर लीजिए और बताइए कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो यहां पर सबसे पहले जो आंसर दिया वो दीपिका ने आंसर दिया भाई, सॉरी दीपिका नहीं, दीपक माफ करना भाई, दीपक ने आंसर दिया है। उसके बाद यूअर्स ने आंसर दिया है, यूअर्स उदित, आरती जी का आंसर आया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन तरीके से आप सभी ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं आपको समझाता हूं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका होगा वो क्या रहेगा। सबसे पहले यहां पर अगर मैं आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में जरूर बताऊंगा ताकि जो बच्चे इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं उन्हें हम समझा पाए। ये वैल्यू हो गई, अच्छा इसको एक बार थोड़ा दोबारा लिख देता हूं मैं यहां पर। तो यहां पर हम लोगों ने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है जिसमें हमने नेम देना है एक्स, वाई और जेड। इस तरीके से बनाना है कि वाई पर राइट एंगल आ जाए। अब एक्स वाई जो है वो आपके पास कितना है, 2√6, और ये जो वैल्यू है एक्स जेड और ये जो वैल्यू है वाई जेड, ये वैल्यू आपको निकालनी होगी क्योंकि आपको निकालना है sec x और tan x का आंसर। इसका मतलब जो थीटा है वो आपका एक्स एंगल यहां पर रिप्रेजेंट हो रहा है। और आपको ये बात पता है कि जो थीटा होता है यानी कि जो sec थीटा होता है वो हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है। तो हाइपोटेनियस एक्स जेड हो गया और बेस एक्स वाई हो गया, और टेन का मतलब होता है परपेंडिकुलर, इसलिए परपेंडिकुलर आपके पास क्या रहेगा, वाई जेड।
और बेस हो जाएगा आपके पास एक्स वाई। तो आपको दिखाई दे रहा है कि आपको यहां पर एक्स जेड की मान भी निकालना होगा और आपको यहां पर वाई जेड का मान भी निकालना होगा। क्वेश्चन में आपको एक्स जेड और वाई जेड का डिफरेंस दो दिया हुआ है। अगर ये वैल्यू एक्स मानते हो तो ये वैल्यू एक्स प्लस टू मानोगे, क्योंकि यहां पर जो है हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है, और अगर हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होगा वो इस एक्स के स्क्वायर और टू अंडर रूट सिक्स के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 24, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, यहां रह जाएगा 4x, और 4 मल्टीप्लाई माइनस होके उधर जाएगा 20 बनेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 5। और जैसे ही x की वैल्यू 5 आ गई तो ये वैल्यू 5 हो जाएगी और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। अब सिर्फ और सिर्फ वैल्यू डालेंगे तो एक्स जेड का मान कितना है 7, एक्स वाई का मान कितना है 2√6, YZ का मान कितना है 5, XZ का मान कितना है 2√6। दोनों पर सेम है, यानी 7 और 5 12, 12 बटे 2 अंडर रूट 6, और 6 बाय रूट 6 को आप सिंपल रूट 6 लिख सकते हैं। इसलिए जितने बच्चों ने आंसर दिया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से आंसर दिया है और आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई। तो सभी बच्चे एक बार फटाफट से कमेंट करके मुझे बताइए क्या ये अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया, क्या सभी बच्चों को क्वेश्चन क्लियर हो गया एकदम, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो फटाफट से कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट करिए फटाफट से जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं। क्लियर हो रही है बात सभी को, गॉट इट जी, बहुत बढ़िया। तो इस पर मैं आप लोगों के लिए दो क्वेश्चन लेके आया हूं। ये पहला क्वेश्चन आपके पास सामने आपको दिख रहा था कि ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, और इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इस क्वेश्चन को भी एक बार सॉल्व करके देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर आपको दिया हुआ है कॉस स्क्वायर ए और यहां दिया गया है कॉस स्क्वायर सी, यानी कि दोनों बार ये एंगल को क्या कर रहा है, एंगल को चेंज कर रहा है। पर अगर एंगल चेंज हो रहा है तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज होंगे। राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से ए बी पर राइट एंगल बनाना है और ये वैल्यू होगी सी। अब इसमें आपको हाइपोटेनियस गिवन है एसी, जबकि ए बी और बीसी का डिफरेंस है। इसका मतलब ए बी और बीसी का डिफरेंस है तो आप ये बोल सकते हैं कि AB की वैल्यू यहां बड़ी होगी BC से, तभी तो वैल्यू पॉजिटिव आई है। तो अगर ये X होगा दोस्तों तो ये X प्लस 2 होना चाहिए। अब पिछले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में एक छोटा सा डिफरेंस है, वो मैं भी आपको बताऊंगा। आप फटाफट से एक बार अपनी तरफ से कोशिश करिए, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी पंक्ति है ये, तो कभी सुनाऊंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या रहेगा। बताइए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। तो आपने एक चीज यहां पर देखी कि बेसिकली इस क्वेश्चन में अगर आप पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो 2√5 का स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू के होल स्क्वायर के बराबर होगा। इसका मतलब दोनों जो एक्स स्क्वायर हैं वो यहां पर आपको सेम साइड पर मिलने वाले हैं। जबकि पिछले क्वेश्चन में आपको अगर मैं दिखाऊं तो एक एक्स यहां पर था और एक एक्स यहां था, इसीलिए ये वाला एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन जो है बनते हैं। अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं तो आप बोलेंगे इसका स्क्वायर 20 है। इट मीन्स BC का जो स्क्वायर होगा और AC का जो स्क्वायर होगा वो 20 से ज्यादा नहीं आ सकता। अगर 20 से ज्यादा नहीं आ सकता
इसका मतलब एक्स की वैल्यू 5 से बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि 5 से बड़ा स्क्वायर जो होगा वो 25 का बनेगा, तो 25 से बड़ी वैल्यू तो नहीं बनेगी। तो हिटन ट्रायल मेथड के अकॉर्डिंग आप एक्स की वैल्यू यहां पर जो है अगर 2 डालते हैं, अगर एक्स की वैल्यू यहां 2 डालते हैं तो ये वैल्यू कितनी बनती है, 4। तो आप बोल सकते हैं कि सर 4 का स्क्वायर और 2 का जो स्क्वायर होता है वो 20 के बराबर होता है। तो x का मान यहां पर 2 आ गया और यहां पर कितनी वैल्यू आ गई, 4। तो इसको बोलते हैं हिटन ट्रायल मेथड। अब cos जब a का मान निकालेंगे तो ये हाइपोटेनियस यानी कि 2√5, और बेस इसके लिए बन जाएगा बच्चों 4, क्योंकि a एंगल की बात कर रहा है। लेकिन जब cos c एंगल की बात करेगा तो अब c के लिए बेस 2 रहेगा, लेकिन हाइपोटेनियस तो फिक्स है 2√5 और बेस क्या बनेगा 2। तो जस्ट सिंपल इसका स्क्वायर कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा 20, ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास, सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने यहां पर, इसको थोड़ा ठीक कर लेता हूं मैं, क्योंकि बेस हाइपोटेनियस मैंने ऊपर लिख दिया जबकि बेस अपॉन हाइपोटेनियस रहेगा, तो इसको मैं ठीक कर देता हूं, क्योंकि कॉस का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ए के लिए बेस हो जाएगा 4, हाइपोटेनियस 2√5, और इसके लिए बेस हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2√5। तो जस्ट सिंपल स्क्वायर कर दो, 16 - 4 और नीचे हो जाएगा 20, यानी 12/20 का मतलब कितना होगा, 3/5। तो 3/5 इज द राइट आंसर। कुछ बच्चे कह रहे थे कि ए और सी सेम ऑप्शन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो गलत ही है वैसे भी, करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी, बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा, फटाफट से कमेंट करके बताइए भाई दोनों क्वेश्चन कैसे लगे, दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट थे और ये ट्रायंगल के ऊपर क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। फटाफट से रिस्पॉन्स दीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए बात क्लियर हो रही है एकदम, सभी बच्चे बताइए फटाफट से, 3/5 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आप लोगों को ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यह है कॉम्प्लीमेंट्री टाइप, ये कॉम्प्लीमेंट्री टाइप है। जैसा कि हम जानते हैं कि साइन 90 - थीटा कॉस थीटा हो जाता है और कॉस 90 - थीटा साइन थीटा हो जाता है, इसी तरीके से टेन 90 - थीटा कॉट थीटा हो जाता है और कॉट 90 - थीटा टेन थीटा हो जाता है ना। इसी तरीके से sec 90 - थीटा cosec थीटा हो जाता है, और अगर आप लिखना चाहें तो cosec 90 - थीटा ये sec थीटा हो जाता है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज होती है जिनको जनरली हम लोग जानते हैं, और यही होता है कॉम्प्लीमेंट्री का टाइप, यानी जहां जहां पर कॉम्प्लीमेंट्री बनते हैं उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। जैसे कि आप देखोगे 4 डिग्री से 86 डिग्री का सम 90 है तो कैंसिल आउट हो जाता है, और 43 डिग्री और 47 डिग्री भी आपस में कैंसिल आउट हो जाता है तो आंसर क्या आता है, 1। लेकिन ऐसा क्यों होता है, मैं इसका रीजन आपको दे देता हूं कि अगर आप 10 को लिखते हैं 90 - 86 तो अभी भी 4 डिग्री है, और अगर आप 43 डिग्री को लिखते हैं 90 - 47 अगले वाले पार्ट को इसको, तो ये अभी भी 43 डिग्री है, और रिमेनिंग जो दो वैल्यू थी 47 और 86 अगर आप इसको एज इट इज लिखेंगे तो एज ए ही रहने दीजिए इसको, ठीक है। तो ये अभी भी 4 डिग्री है और ये अभी भी 43 डिग्री है, लेकिन tan 90 - थीटा होता है cot थीटा के, तो थीटा 86 है, यहां पर थीटा कितना है 47, तो tan 47, और आपको पता है tan थीटा का उल्टा cot होता है तो ये कट गया, कॉट का उल्टा टेन होता है तो ये भी कट गया, तो कट गया तो आंसर 1 हो गया। इसीलिए जहां जहां पर 90 डिग्री सम बनता है ऐसी वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं। जैसे 4 डिग्री और 86 डिग्री आपस में 90 डिग्री बना रहे तो काट दिया भाई, 10 से इस 10 को काट दिया, और 43 डिग्री और 47 डिग्री भी आपस में कट चुके हैं तो सभी वैल्यू कट गई तो आंसर विल बी 1। 1 इज द राइट आंसर, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि पूरक कोण। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल।
तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में जहां पर 90 डिग्री बनेगा वहां पर वैल्यू को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल एज इट इज, मैं यहां पर रखना चाहूंगा इस क्वेश्चन को क्योंकि काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू अगर आपको याद रहेगी तो ज्यादा ठीक रहेगा, हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट भी होगा इस क्वेश्चन का, यानी कि हमारे पास इसका डिटेल मेथड भी होगा और हमारे पास हिट एंड ट्रायल मेथड भी होगा। तो मैं दोनों मेथड को डिस्कस करूंगा, एक बार मैं चाहूंगा कितने बच्चे इस क्वेश्चन का मुझे करेक्ट आंसर देते हैं, बताइए भाई फटाफट से, एक बार देखना चाहेंगे आपकी नॉलेज को कि ट्रिग्नोमेट्री में जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो कितने नॉलेजेबल हैं स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू के अंदर। जी यहां पर राहुल चक्रवर्ती जी ने आंसर दिया है, आरती करवालिया जी ने आंसर दिया है जीरो। अभी हम चेक करेंगे कि आप में से कितने बच्चों का आंसर जो है वो करेक्ट है। अनवारी जी भी जीरो दे रहे हैं, रोहित कुमार भी ए दे रहे हैं, इसका मतलब यहां पर जगनेश्वर जी ने आंसर दिया है 1/2। तो यहां पर क्या होता है कि अगर मैं आपको थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल की बात करूं तो आपको ये बात यहां पर पता होनी चाहिए कि 10-30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है और 10-60 की वैल्यू √3 होती है। तो इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 1/√3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 1 आएगा, तो ये 1 आ रहा है यहां पर। इसका मतलब ये है कि एक एंगल 30 होना चाहिए और एक एंगल 60 होना चाहिए। अगर एंगल 30 होना चाहिए तो यहां पर थीटा कितना होना चाहिए, 15। तो 15 का डबल 30 बन रहा है और यहां पर अगर 15 रखा तो 15 × 60, इसका मतलब ये चीज क्या कर रही है, ये चीज आपके पास सेटिस्फाई कर रही है। तो आपने जब थीटा को 15 डिग्री रखा तो ये हो गया 10-30 और ये हो गया 10-60 जो कि आपस में कैंसिल आउट होकर बन देगा, इसका मतलब ये चीज क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। और अगर ये चीज सेटिस्फाई हो रही है तो वही 15 डिग्री आप यहां रख दीजिए तो साइन 45 और कॉस 45 दोनों का मान बिल्कुल 1/√2 होता है, तो आंसर कितना रहेगा, 0। 0 इज द राइट आंसर, 0 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को यहां पर आंसर समझ में आ गया होगा। जो सी बोल रहे हैं वो गलत है क्योंकि यहां पर आप लोगों को 15 डिग्री जब आप रखेंगे तो साइन 45 और यहां रखेंगे 15 डिग्री तो कॉस 45। और अगर थीटा की वैल्यू आपने 15 डिग्री फाइंड आउट कर ली है तो आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। क्लियर होगी बात सभी को यहां तक, बिल्कुल एकदम क्लियर हो चुका है सभी को, बताइए फटाफट से भाई। भाई यहां पर आप लोगों ने जिनको समझ में नहीं आ रहा, एक चीज देखो कि अगर 10-30 और 10-60 को मल्टीप्लाई करोगे तभी तो √3 को 1/√3 से मल्टीप्लाई करके 1 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये 2 tan 2 थीटा और 10 4 थीटा को मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 1। तो यहां पर एंगल बनना चाहिए 30 और यहां पर एंगल बनना चाहिए 60, इसलिए थीटा क्या रखा जाएगा, 15, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर 2 है। तो 15 का दुगना 30 और 15 का 4 × 60, तभी तो 30 और 60 आ रहा है, तो एंगल 15 बन चुका है। तो 15 × 3 = 45 और 45 साइन 45 और कॉस 45 का मान सेम होता है, इसलिए आप इसका आंसर बोलेंगे 0। शिवमुनि कुमार जी, सर हम माउथ एंड हेयर से हैंडीकैप्ड हूं तो हम तो अदर हैंडीकैप में आएंगे। हाँ जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं शिवमुनि कुमार जी, ठीक है, यस आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, यहां पर भी देखिए फटाफट से क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढना है। कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करना है, कहां कहां पर कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है वो आप लोगों ने फाइंड करना है ऐसे क्वेश्चन में।
तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट दे सकते हैं, गलती नहीं करनी है बच्चों, ध्यान रखना, गलती करोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि ऑप्शंस बहुत क्लोज होते हैं ऐसे क्वेश्चंस के एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, आरआरबी जी का कोई न्यू सर बैच? अभी आरआरबी का बैच तो नहीं आ रहा बच्चे, लेकिन कुछ बैच हमारे पास आ रहे हैं, उसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। 10 डिग्री और 80 डिग्री का सम बन गया 90, यानी कि ये और ये कट जाएंगे। 20 डिग्री और 70 डिग्री का सम बन गया 90, तो ये भी कट जाएंगे। अब क्या बचा? कॉट 60। तो अगर टेन 60 का मान एक बटा आपके टेन 60 की वैल्यू अगर रूट 3 होती है, तो cot 60 की वैल्यू कितनी होगी? 1/√3। 1/√3 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा डी। हिमांशु पांडे, सर मेरा हैप्पी बर्थडे है। तो हिमांशु पांडे जी, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू बच्चे, और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आपका जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो, आप जल्दी से जल्दी अपने गोल को अचीव करें, और भगवान आपको बहुत लंबी उम्र दे भाई, ठीक है। आप जो है जल्दी से जल्दी सक्सेस हो और अपने माता पिता की सेवा करें, ठीक है। चलिए, तो आप सभी भाई हिमांशु को जो है हैप्पी बर्थडे बोल दीजिए भाई सभी बच्चे एक बार। तो ये बड़ा ही स्पेशल डे होता है कि हम लोग जो है अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, और कुछ अच्छा करेंगे जिंदगी में तो लोग हमेशा याद रखेंगे, तो ठीक है। हाँ भाई, बर्थडे मैंने आपको सेलिब्रेट कर दिया है बच्चे, आपको विश कर दिया है बर्थडे। फटाफट से अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। व्हाट इज द आंसर ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन? अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको काफी सारी चीजें सिखाऊंगा। इस क्वेश्चन में मैं आपको काफी सारी चीजें बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं? और जिन बच्चों का बेसिक क्लियर नहीं है, वो बिल्कुल स्क्रीन पर नजर लगाए बैठना, तभी आपको ऐसा क्वेश्चन समझ में आएगा। बहुत बढ़िया भाई, राहुल का आंसर सही आया है यहां पर, दीपक का आंसर बी है। चलिए भाई, सबसे पहले आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक से मैं आंसर जो है निकलवाता हूं। देखो, 39 डिग्री और 51 डिग्री का सम 90 है, ये आपस में कटेंगे, क्या रह गया? 1। 11 डिग्री और 79 डिग्री का सम 90, ये भी कट गया। 31 डिग्री और 59 डिग्री का सम 90, ये भी कट गया। तो कितना बचा? 2 tan 45। वो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो ये 1 हो गया, -3। साइन स्क्वायर, और ये भी साइन स्क्वायर है, लेकिन इन दोनों का सम कितना है? 90। तो ये भी कितना हो जाएगा? 1। तो 3 - 3 = 0। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो ये चीज मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कि मैंने इसको काटा साइन 39 और कॉस 51 को, तो मैं क्यों काट पाया इसको, मैं आपको रीजन देता हूं। इसको मैं 39 को क्या साइन 90 - 51 लिख सकता हूं? आप बोलेंगे सर बिल्कुल लिख दो, क्योंकि 90 में से 51 माइनस करोगे 39 ही मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर मैं साइन 90 - थीटा लिखता हूं, तो आप बोलेंगे कॉस थीटा लिखो, तो कॉस 51 से कॉस 51 कटेगा। इसीलिए इन दोनों को मैंने ऊपर नीचे यहां पर क्या करा, कैंसिल आउट कर दिया। अब बारी आती है इस वाले पार्ट की, ये जो आपके पास है। अगर आप साइन स्क्वायर 21 और साइन स्क्वायर 69 की बात करते हैं, तो 21 को ऐसे ही लिख लो, साइन स्क्वायर 69 को अगर आप लिखोगे तो इसको 90 - 21 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो।
क्योंकि 90 में से 21 महीने होगा, अभी भी 69 बचेगा। लेकिन अगर यहां पर साइन 90 माइनस थीटा लिखोगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो इसीलिए मैंने इसके प्लेस पर क्या लिखा था, यहां पर 1 लिखा था। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दी है, और ये मैंने आप लोगों को यहां पर पूरी की पूरी वैल्यू दी है। शिव मुनि कुमार जी, आप जो है अदर हैंडीकैप में आएंगे, शिव मुनि कुमार जी आप अदर हैंडीकैप में आएंगे, मैंने पहले ही आपको रिप्लाई दे दिया था, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक ही ओके है, एग्जाम में आप लोगों ने ऐसे ही करना है, तो इसी तरीके से आप लोग काम करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक में आप लोगों ने यह ऑब्जर्व किया कि ये 39 डिग्री और 51 डिग्री कटा, 11 डिग्री और 79 डिग्री कटा, 31 डिग्री और 59 डिग्री कटा, 10 45 का मान 1, तो 1 को 2 से गुणा करा, और इन दोनों का सम कितना आ चुका है 1, तो ये भी 1 आ गया, यानी 3 माइनस 3 योर आंसर विल बी 0, 0 इज द राइट आंसर, 0 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन का भी आंसर बता दीजिए और क्वेश्चन को खत्म कर दीजिए फटाफट से, कॉम्प्लीमेंट्री का क्वेश्चन है ये भी। चलिए बताइए बच्चों फटाफट से, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। और भाई जितने बच्चे एक बार सेशन को देख रहे हैं, सेशन को फटाफट से लाइक कर दो, जितने बच्चों ने सेशन देख रहे हैं फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा भाई, ये आप लोगों का मेरे प्रति प्यार रहेगा, और यही आप लोगों की तरफ से एक एप्रिसिएशन आता है कि जो चीज मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं वो आप लोगों को क्लियर हो रही है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट से, गलती ना करें, बस इस बात का ध्यान रखना कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो आप देख लीजिए, सबसे पहले 68 और 22 कट गया क्योंकि 90 डिग्री सम था, ये भी कैंसिल आउट होगा, तो ये 2/5 रह गया, और ये 20 डिग्री से 70 डिग्री कटेगा, 40 से 50 कटेगा, और 45 का मान 1 होता है, तो यानी कि रह गया 3/5, तो 2 माइनस में 5 और ये 2 माइनस 3 बचेगा, क्योंकि ऊपर माइनस ले लो उसको भाई, 2 को साथ में ले लो यहाँ पर, तो माइनस 2 माइनस 3 यानी 2, और ये कितना रह जाएगा माइनस का 1, तो योर आंसर विल बी पॉजिटिव 1 रहेगा आंसर, आंसर इज प्लस 1 नॉट माइनस 1, माइनस 1 नहीं रहेगा बच्चे, ठीक है। क्लियर होगी बात सभी को, आप चाहे तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, इसका पूरा का पूरा एलसीएम नीचे 5 लेते तो ये 10 हो जाता, ये माइनस 2 और ये माइनस का 3, तो 5/5 को सॉल्व करके आप ऐसे भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे, आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे भी दे सकते थे भाई। चलिए तो आज की क्लास हमारी होती है यहां पर समाप्त, क्योंकि टाइम हो चुका है, और आप लोगों को बता देता हूं कि असिस्टेंट कमांडेंट का एक बैच शुरू हो रहा है मंडे से, जिसका टाइमिंग जो है वो शाम को 4 बजे से 7:30 बजे का है, 27 जुलाई का, और मेरे रेफरल कोड को अप्लाई करके आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं। इस बैच का जो प्राइस अभी है वो प्राइस आई थिंक 5899 है, लेकिन आप जब इस कोड को अप्लाई करेंगे, तो कल तक ये बैच जो था वो 942 के अराउंड आ रहा था, यानी सिर्फ 942 रुपए के अंदर ये बैच कल तक मिल रहा था। आज आप एक बार वेबसाइट पर जाकर और Y240 कोड अप्लाई कर देना, और अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन लेनी है तो शाम को 6:45 पर, 6:45 पर मैं इसी चैनल पर एक शो करूंगा जिसमें पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स यानी असिस्टेंट कमांडेंट बैच के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को आज कॉम्प्लीमेंट्री वाले टाइप समझ में आए होंगे, अगर भाई टाइप आपको समझ में आ गए तो सेशन को जरूर लाइक शेयर जरूर करिएगा, और CAPF का बैच अगर आप खुद से भी इंक्वायरी करना चाहते हैं तो अड्डा की साइट पर जाकर आप डिफेंस वाले पार्ट में चले जाना और वहां पर आप लोगों को ये दिख जाएगा। तो अभी एक बेस्ट ऑफर चल रहा है जो कि आपको सिर्फ इतने ही प्राइस में ये कंप्लीट बैच आपको मिलेगा, जिसमें इंग्लिश मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूं, ये आपके GS की टीचर, ये रीजनिंग की टीचर, और ये आपके GS सारी GS की फैकल्टी है।
तो असिस्टेंट कमांडेंट यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करता है, इसलिए काफी अच्छा एग्जाम रहेगा। तो उसके लेवल की उसकी उस एग्जाम की लेवल की तैयारी के लिए आपको अच्छी फैकल्टी की नीड भी होगी। चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, अच्छे तरीके से मेहनत करते रहिए और मेरे साथ जुड़िएगा आप लोग नेक्स्ट क्लास में, जो कि हमारी मंडे टू सैटरडे होती है सुबह 8 से 9, और ये क्लास जो है थर्सडे फ्राइडे सैटरडे दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे तक होती है। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आप लोगों से मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास में।